आज की हमारी रेसिपी है आलू भुजिया। जी हाँ, बच्चों की फेवरेट है और बड़ों की भी ये बहुत फेवरेट होती है। अगर कभी कुछ अच्छा खाने का मन करे और फटाफट बनाना हो तो ये आलू की भुजिया की रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आलू भुजिया बनाने के लिए हमने ये 450 ग्राम आलू लिए हैं, जिन्हें हमने छील कर रख लिया है, ये देखिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आलू को हम काटेंगे एक पर्टिकुलर शेप में। हम इसको छोटे छोटे चौकोर क्यूब्स में काटेंगे। उसको काटने के लिए आलू को आप बीच से इस तरीके से काट लें। अगर आलू ज़्यादा मोटा है तो आप दो की जगह इसके तीन या चार हिस्से भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा आलू नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम आलू को देखिए पहले ऐसे लंबे लंबे में काटेंगे, ये देखिए। इस तरीके से आप आलू को काटें, एक तरफ से जब आलू कट जाएंगे उसके बाद हम इसे घुमा लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम इसे काटेंगे तो आलू के हमारे क्यूब्स तैयार होकर निकल जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे आलू कट गए। और ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको आलू के क्यूब्स काट लेने हैं। ये हमारे आलू कट गए। अब हम चलते हैं, आलू को धुलेंगे। हम आलू को बहुत अच्छी तरीके से धुलिए, क्योंकि हमें क्रिस्पी आलू बनाने हैं तो ये आलू में जो स्टार्च है वो हमें सारा निकालना होगा। उसके लिए आप एक बोल में पानी ले लें और उसमें आप आलू को डालें, और आलू को धुलने के बाद आप देखेंगे कि जो सफ़ेद सफ़ेद स्टार्च पानी में निकलता है, तो आप पानी को फेंकें और उसके बाद दोबारा से फ्रेश पानी लें और तीन चार बार ये प्रोसेस रिपीट करें जब तक कि पानी बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता है। तो ये मैं आलू को धुल रहा हूँ और तीन चार बार धुलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पानी जो है वो कितना क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, लगभग तीन से चार बार धुलने के बाद ये देखिए आलू का पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें दो टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे। थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि ये क्रिस्पी आलू हैं और आलू एक एक आलू जो है वो अलग अलग होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। अगर नॉन स्टिक बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हम हाफ टी स्पून के बराबर जीरा डालेंगे, दो हरी मिर्चें काट लीजिए उसको डाल लीजिए। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में से खुशबू आने लगे। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। अब हम इसमें जो आलू है वो डाल देंगे। ये डाल दिया हमने आलू। अब आप फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दीजिए। फ्लेम को इसमें मीडियम या लो नहीं रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर आलू को चलाते हुए आप भूनिए। और तब तक भूनिए जब तक कि जो पानी बचा हुआ रह गया है आलू में वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। तो इसे आप हाई फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट तक आप फ्राई करिए। और उसके बाद ये देखिए पानी बिल्कुल सूख जाएगा इसका। और जब ये बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाएगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें आधा चम्मच हाफ टी स्पून मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये डाल दिया मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद हाफ टी स्पून हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे। तो ये रहा मेरा धनिया, ये धनिया पाउडर डाल दिया हमने हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो ये डाल दिया मैंने इसमें गरम मसाला। उसके बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिए। ये मैं इसमें नमक डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने इसमें नमक। फ्लेम ध्यान रखिए बिल्कुल हाई रहनी चाहिए, ये मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पर इसे आप कुक ना करें। मसाले डालने के बाद हाई फ्लेम पर ही इसे 2-3 मिनट तक आप फ्राई करते रहें। तो ये इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, इससे हमारे मसाले भी मिल जाएंगे और हमारे जो आलू हैं वो भी क्रिस्पी बने रहेंगे। 2-3 मिनट के बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और उसके बाद हम इसे ढक कर पकाएंगे। ढकने के बाद भी इसे बहुत देर तक ना पकाएं आप, 2 या 3 मिनट मैक्सिमम इसे पकाएं। तो लगभग 2 मिनट के बाद ये देखिए मैं इसका ढक्कन हटाता हूँ। अब हमारे आलू भी अच्छी तरीके से पक गए होंगे, क्रिस्पी हमारे आलू है ही हैं। दोबारा से हम फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे और उसके बाद हम इसे चलाते हुए 1 या 2 मिनट तक और कुक करेंगे। तो ये देखिए, इसे हाई फ्लेम पर मैं चलाते हुए इसको कुक कर रहा हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे आलू पक गए हैं या नहीं। तो ये देखिए, लगभग 1-1.5 मिनट मैंने इसको पकाया है बिल्कुल हाई फ्लेम पर। और उसके बाद ये देखिए, मैं एक आलू उठा के दिखाता हूँ। इसे आप चम्मच से हल्का सा लगाएंगे और ये देखिए अंदर से देखिए आलू बिल्कुल पककर तैयार है। तो आपकी भुजिया रेडी है। चलिए अब इसे सर्व कर देते हैं। इसे गरम गरम चपाती के साथ या पराठे के साथ आप सर्व करिए। आप चाहें तो इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये फटाफट से बनने वाली बहुत ही डिलीशियस
आलू की भुजिया है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसे फाइनल गार्निशिंग कर देता हूँ मैं धनिया की पत्ती के साथ। और आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक बार और गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब के बटन बगल में जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।